आप जाके देख सकते हैं, एक बस स्टैंड के लिए जगह नहीं मिला कनकट्टे में। एमएलए साहब को कनकट्टे में आज बस स्टैंड हो गए, 20 साल के बाद एक बस स्टैंड हो गए। वो सिद्धू पाटिल के हाथ से हम उद्घाटन करेंगे बोल के हम धन्यवाद। और गयासुद्दीन साहब, आप पहला डिक्लेयर होने के बाद आपको ही धन्यवाद देता हूँ मैं। आपके ही चैनल पे हमें मालूम पड़ा, गुलबर्ग में और हुमनाबाद तालुके में, बीदर में, सब आपके ही चैनल हम देखते रहे और आपके लिए ही हमको मैसेज मिले। आपको भी धन्यवाद। क्या है सिद्धू पाटिल का डैड है? सिद्धू पाटिल साहब का डैड है। ये हमारा गाँव मू राजशेखर पाटिल का माँ का गाँव है। आज जो सिद्धू पाटिल आए इलेक्शन के बाद, कोई एमएलए ऐसा आके हमारा गांव में राउंड कोई नहीं मारा। वो गांव गांव फिर रहे बोलो तो डेवलप ही है ना। इन्हों डायरेक्ट जीतने के बाद कहीं बेंगलुरु कहा भी नहीं गए, डायरेक्ट जीतने के बाद हमारे को लोग जीता है बोल के लोग का नारे। ऐसा फर्स्ट एमएलए है कर्नाटक में, लोग जीते बोल के लोग को आके अभिनंदन कर रहे, सबको ये कर रहे, नमस्ते करके जा रहे। ये फर्स्ट एमएलए ऐसा इसकी। हाँ, कनकट्टा ग्राम के सभी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और पूरे गांव के हमाम आज कनकट्टा ग्राम में सुबह से 6 बजे से लेकर बजरंग बली के मंदिर में दर्शन के लिए आए। सिद्धू पाटिल साहब के हाथ से अपना अभिषेक कराए, मल्लिकार्जुन टेंपल गए और पूरे हमाम मंदिर गांव में पूरा पादा यात्रा करके पूरे गांव एक साथ टीम करके पूरा कनकट्टे गांव में आज देख से आप पब्लिक देखते हजारों में तादाद में आप पब्लिक देख सकते, किधर देखो तो उधर। और हम बजरंग दल का सेना और अपना शाहजी ब्रदर श्रीराम नर्सरी वाले और ये अपना छत्रपति शिवाजी महाराज के टीम और बसवेश्वर के टीम, ऐसा कोई जात पात नहीं है, सभी जात वाले आज सिद्धू पाटिल साहब के सत्कार कार्यक्रम में आज सभी कास्ट वाले आके इतना बात करें। और सिद्धू पाटिल साहब भी हमारे को भरोसा दिए आगे के काम के लिए, क्योंकि 20 साल हमारे गांव में एक कनकट्टे में एक बस स्टैंड होने के लिए कम से कम 40 साल लगे, एक बस स्टैंड की वजह से 40 साल लगे, एक बस स्टैंड हो गए आज कनकट्टे में। अपना सिद्धू पाटिल साहब आगे आने दिनों में पूरे कनकट्टे गाँव के अभिवृद्धि करेंगे बोल के हमारे को उसके ऊपर हमारा को विश्वास है। एक रोड का काम रहे, एक काम रहे, किसी भी काम आप जाके देख सकते हैं, एक बस स्टैंड के लिए जगह नहीं मिला कनकट्टे में। एमएलए साहब को कनकट्टे में आज बस स्टैंड हो गए, 20 साल के बाद एक बस स्टैंड हो गए। वो सिद्धू पाटिल के हाथ से हम उद्घाटन करेंगे बोल के हम धन्यवाद। और गयासुद्दीन साहब, आप पहला डिक्लेयर होने के बाद आपको ही धन्यवाद देता हूँ मैं। आपके ही चैनल पे हमें मालूम पड़ा, गुलबर्ग में और हुमनाबाद तालुके में, बीदर में, सब आपके ही चैनल हम देखते रहे और आपके लिए ही हमको मैसेज मिले। आपको भी धन्यवाद गयासुद्दीन साहब के लिए। क्या है सिद्धू पाटिल का डैड है? सिद्धू पाटिल साहब का डैड है, उनके ऊपर अभिमान है, हमको उनके ऊपर अभिमान है, साग बुटर उनके ऊपर अभिमान है, अभिमान है, के लिए लगा लिए, फैन अभिमानी। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा अभिमानी हूँ मैं उनका। जीतने के बाद लगा लिए, जीतने से उनके बर्थडे का अभी उनके बर्थडे का गिफ्ट है ये, बर्थडे में लगा लिए। अच्छा, वो कब तक रहेंगे अभी? मैं मरते दम तक रहेंगे। आज जो सिद्धू पाटिल आए इलेक्शन के बाद, कोई एमएलए ऐसा आके हमारा गांव में राउंड कोई नहीं मारा, सिद्धू पाटिल ही मारे आज। हाँ, जो भी है उनको हम बच्चे लोग जो भी है उनको बहुमत से उठा के लेके आए हम। ये हमारा गांव मू राजशेखर पाटिल का माँ का गांव है, उन्होंने यहाँ का ये है बोलो बीजेपी लीड ली है। हाँ, ये साल यहाँ बीजेपी 511 वोट लीड ली है, और आगे भी लीड करेंगे। तुमको क्या लगता है कि सिद्धू पाटिल साहब आगे काम करेंगे कुछ? नहीं, कोई भी सिद्धू पाटिल रहने दो, कोई भी रहने दो, काम करे तो आगे आती, नहीं काम करे तो नहीं आगे आते। भरोसा है कि भरोसा है बोल के लाए, भरोसा नहीं तो नहीं लाते थे। भरोसा है उनके ऊपर, उनको जिताए और उन्होंने भी ऐसा करे बोले तो उनको भी ऐसा करे। आज वो डेवलप करते हैं। हाँ, ये डेवलप का ही है ना, ये गांव गांव फिर रहे। हाँ, ये देखो वो गांव गांव फिर रहे बोलो तो डेवलप ही है ना। इन्होंने डायरेक्ट जीतने के बाद कहीं बेंगलुरु कहा भी नहीं गए, डायरेक्ट जीतने के बाद हमारे को लोग जीता है बोल के लोग का नारे। ऐसा फर्स्ट एमएलए है कर्नाटक में, लोग जीते बोल के लोग को आके
अभिनंदन कर रहे सबको, ये कर रहे नमस्ते करके जा रहे, ये फर्स्ट MLA ऐसा इसकी हमारे कर्नाटक में। हम भी साल से जीतने के बाद बेंगलुरु नहीं गए, कहा भी नहीं गए, बेंगलुरु से उनको फोन आए तो भी उन्होंने क्या बोले, फर्स्ट मई मेरा जनता को मिलता हूँ, मिलने के बाद मैं बेंगलुरु का आता हूँ। अभी तक उन्होंने बेंगलुरु नहीं गए, पूरा क्षेत्र का लोगों को मिलने के बाद बेंगलुरु जाने वाले हैं उन्होंने।